गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी के एक्सेल सीखने वाले वीडियोस। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बार चार्ट। बार चार्ट को इंसर्ट करने के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं, और इसके जो लेआउट्स और डिज़ाइन हैं वो किस किस तरीके से होते हैं, उनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी डाटा बेस के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको आज बताऊँगा। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक डाटाबेस यहाँ पे लिया हुआ है जो कि है स्टूडेंट्स के नेम और उनके टोटल मार्क्स। अब मैं इसी के बिहाफ पे एक बार चार्ट को इंसर्ट करूँगा। हमें इंसर्ट करने के लिए अपने ऊपर जो रिबन दिया हुआ है उसमें जाएंगे, इंसर्ट में, और वहाँ पर हमारे कई सारे तरह के चार्ट्स दे रखे हैं अलग अलग तरीके से। आज हम बात कर रहे हैं बार चार्ट की, तो बार चार्ट को इंसर्ट करेंगे और ये यहाँ पर 5 तरीके से हम इसमें एंटर कर सकते हैं, 2D बार, 3D, सिलेंडर, कौन और पिरामिड। तो हम ले लेते हैं 3D वाला करके देखते हैं, क्लिक के देखते हैं। अभी इसने यहाँ पे ब्लैंक शो कर दिया है क्योंकि हमने इसको डाटा सेलेक्ट अभी तक नहीं किया है। इसमें डाटा सेलेक्ट करने के लिए आप दोबारा से रिबन पर जाएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट डाटा आप चूज़ करेंगे, और उसके बाद में आपको इसे रेंज देनी होगी कि डाटा आपका कहाँ से कहाँ तक आपको लेना है इसमें। तो आइए डाटा ले लेते हैं, इसमें इस डाटा को आप पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एंटर। नॉट रिस्पॉन्डिंग बता दिया इसने। अभी ये आपके सामने यहाँ पे इसने एक बार चार्ट क्रिएट कर दिया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मुझे यहाँ मालूम चल रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे यहाँ पर और कितनों के नाम यहाँ पे ये शो कर रहा है। पर इसने हर किसी का नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, उस नाम की जगह इसने एक डॉट लगा दी है यहाँ पे, जिससे कि उसके मार्क्स जो है मालूम चल रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि ये लेआउट इस तरीके का बना हुआ है कि इसमें हर किसी का नाम जो है एंटर नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने लेआउट को। आइए देखते हैं किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिज़ाइन है, और डिज़ाइन में यहाँ पर सबसे पहले आपका आ रहा है चेंज चार्ट टाइप। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये बार चार्ट हमने लिया हुआ है तो यहाँ पे इसके टाइप्स हैं ये वाले, पिरामिड है, यहाँ पे कॉलम है, और यहाँ पे ये लाइन है, और इसका एक ये पाई चार्ट भी है यहाँ पर। तो हम इसमें से कुछ एक ले लेते हैं, जैसे हम ये ले लेते हैं सिलेंड्रिकल वाला ले लेते हैं हम। ये इस तरीके से ने यहाँ पे दिखा दिया है। अब आप देख रहे हैं कि इसने जैसे ही मैंने वो चार्ट टाइप चेंज किया है, इसने यहाँ पर सभी के नाम यहाँ पे एंटर हो गए हैं, जबकि पहले वाले में एंटर नहीं हो रहे थे। अब इसने उनके अकॉर्डिंगली जो मार्क्स आए हैं उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर दिखा दिया है। अब जैसे ही आप किसी बार के ऊपर में यहाँ पे कॉलम जो बने हुए हैं ये वाले किसी के ऊपर करते हैं, तो माउस को जैसे हम ले जाते हैं तो वहाँ पर उसकी वैल्यू शो कर देता है। वो सीरीज़ लिखी हुई है, टोटल मार्क्स पॉइंट कविता वैल्यू 485, यहाँ पर कविता के जो मार्क्स हैं वो 485 है। तो इस तरीके से डाटा ये बना हुआ है हमारा। आइए दूसरा लेआउट देख लेते हैं इसका। आप इसको टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं इसका, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के चार्ट और भी बनाने हैं अलग अलग डाटा रेंज के साथ में, तो आप एक टेम्पलेट भी बना सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर ये लेआउट्स दे रखे हैं, आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। देखते हैं लेआउट फर्स्ट किस तरीके का है। इसमें थोड़ा इसने इनको मोटा कर दिया है, जो इनके कॉलम्स हैं यहाँ पे इनको थोड़ा सा मोटा करके दिखा दिया है इसमें। अब जो ये वाला लेआउट है इसके अंदर में क्या किया है इसने, जो यहाँ पे साइड में मार्क्स आ रहे थे उसने इनको कॉलम्स के ऊपर ही शो कर दिया है। तो ये भी एक लेआउट आप चूज़ कर सकते हैं, एक इस तरीके का भी है, दोनों आ रहे हैं साइड में भी और यहाँ पर भी। एक ये है कि सबके नाम भी इसमें शो हो गए हैं और उनकी टोटल मार्क्स जो है नीचे शो हो गए हैं, और बाकी जो कॉलम्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पे शो हो चुके हैं। इस तरीके के और भी लेआउट हैं इसमें चेंज करने के लिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। और हमारे पास यहाँ पे अलग अलग कलर्स में भी डिज़ाइन दे रखे हैं, आप कोई भी एक कलर इसमें चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रेड वाला आप चूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके के भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये डिज़ाइन है एक तरह का, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और ये लेआउट है, ये लेआउट मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। ये लेआउट यहाँ पे थोड़ा से इन्होंने इसको एक्सटेंड करके बता दिया है एक्सिस वगैरह का, और ये फॉर्मेट है इसका कैसी इसमें आपकी बैकग्राउंड और बॉर्डर इमेज
जो है बॉर्डर कलर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये ब्लू लिया है तो ब्लू हो गया यहाँ पे, इस तरीके से ये लाइट ग्रीन है, और यहाँ पे ये फॉन्ट है, इस तरह के फॉन्ट भी इसमें चेंज हो जाएंगे इस तरीके से। आप इन्हें कलर भी चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट फील्ड में जाके, टेक्स्ट की आउटलाइन भी आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ इसमें, टेक्स्ट की आउटलाइन है। तो ये पूरा जो यहाँ पे तीनों चीज़ें हैं, डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट जो है, ये पूरे डिज़ाइन करने के लिए है चार्ट को। और इसी तरीके से हम और भी चार्ट्स के बारे में बात करेंगे अपने अगले वीडियोस में। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मेरे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/learnexcelhindi। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।